हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस ड्रेस से मैचिंग कैप बनाना बताऊंगी। देखिए, ये मैंने जो डिज़ाइन मैंने ड्रेस में डाला है वही डिज़ाइन मैंने इस कैप में डाला है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है बनाने का और सेम इसी तरह से आप ये कैप बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए इसे बनाने के लिए हम इस तरह से धागे को लेंगे और मैजिकल रिंग बनाएंगे। दो फिंगर को लेंगे, इस तरह से लपेटेंगे और क्रोशिये हुक की हेल्प से इसको इस तरह से निकाल लेंगे धागे को। इसको हम कम या ज़्यादा अच्छे से टाइट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम इस तरह से लूप बन गया। अब यहाँ पर एक दो तीन तीन चैन लेंगे और देखिए जो हमारे पास ये रिंग बन गया है इसको इस तरह से लेंगे और इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये थ्री की चैन का हो गया, दो डबल क्रोशिया। फिर से धागा लिया, तीन डबल क्रोशिया। फिर से लेंगे, चार डबल क्रोशिया। और इसके अंदर हम यहाँ पर नौ डबल क्रोशिया मैं बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नौ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब धागे को हम इस तरह से देखिए खींच कर अच्छे से टाइट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, अब जो हमने यहाँ पर फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाया था उसकी थर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमारे पास एक रिंग बन गई। अब इसके अंदर एक दो तीन तीन चैन लेने के बाद जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है वहीं पर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो सेम प्लेस पर हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, इस धागे को हम साथ में रखेंगे, अंदर की तरफ ही हाइड हो जाएगा। एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया बन गए। नेक्स्ट स्टिच के ऊपर जाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया और फिर से सेम प्लेस पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ देखिए, नाइन के ऊपर हम 18 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए इस रो को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से हम थर्ड चैन में जाएंगे, इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच कर देंगे। तो हमारे यहाँ पर 18 डबल क्रोशिया बने हैं। अब देखिए, एक दो तीन, दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद नेक्स्ट के ऊपर हम इस तरह से डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर से धागा लेंगे, नेक्स्ट के ऊपर जाएंगे, इस तरह से डबल हाफ क्रोशिया बना देंगे। अब हर एक के ऊपर हम एक एक बार डबल हाफ क्रोशिया बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। जो हमने यहाँ पर दो चैन बनाई थी तो सेकेंड वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम अपना वाइट कलर का धागा ऐड कर लेंगे। इस तरह से दोनों में से निकाल लिया। इस धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे अंदर और अच्छे से टाइट कर देंगे। अब देखिए, एक बार हम यहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, छोटा सा हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। एक बार धागा लिया, दो तीन, तीन बार धागा लेने के बाद सभी स्टिचेस को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। अब एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद नीचे से हम एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जाएंगे और फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। धागे को हम साथ में रखेंगे वाइट वाले को, ये अंदर की तरफ ही हमारा हाइड हो जाएगा और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर से देखिए, धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे, ज़्यादा बड़ा हमें पफ स्टिच नहीं बनाना। इस तरह से एक बार धागा लिया, फिर से दो बार और फिर से लूप लिया और धागे को थोड़ा सा लंबा किया, तीन बार। तीन बार लेने के बाद देखिए, इस तरह से धागा लेंगे
और सभी को एक साथ निकाल देंगे। जब लास्ट में हमारे पास ये दो रह जाएंगे तो दो को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। फिर से बीच में एक चैन लेंगे और देखें नीचे से एक स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, दो बार, तीन बार, और सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ से हम जो हमने पफ स्टिच बनाया है उसके ऊपर हम इसको जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब देखिए जो हमने बीच में एक चैन बनाई है वहाँ से हम दूसरे धागे को पिक करेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे। अब इस धागे से हम अपना वर्क करेंगे, एक दो, दो चैन लेंगे। दो चैन लेने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे, दो तीन चैन लेंगे। तीन चैन लेने के बाद देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, तीन चैन ली, नेक्स्ट में जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट किया, फिर से तीन चैन ली, एक दो तीन, और नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया बनाया, एक दो तीन, तीन चैन ली और नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर जाकर इसको हम जॉइंट करेंगे यहीं पर। इस तरह से फिर से तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और देखिए नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया बना लिया, एक दो तीन, तीन चैन ली, उससे नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे हमने नीचे बनाया था इसी तरह से बनाते हुए तीन चैन एक सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने तीन चैन ले ली है। अब देखिए इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे। फिर से धागा लिया, स्टिच लिया, कंप्लीट नहीं किया, दो बार लिया। अब देखिए जो इससे नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया है, इससे नेक्स्ट ये वाली चैन है, इसके अंदर इसी तरह से लेंगे, इस तरह से धागा लिया और इस तरह से इसके अंदर हमने स्टिच निकाला, दो स्टिच निकाल लिए, एक रहने दिया। फिर से लूप लेंगे, इस तरह से दो धागे निकाल देंगे, कंप्लीट अभी नहीं करेंगे, दो बार हम यहाँ से निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए जो हमने ये पफ स्टिच बनाया है इसके नीचे वाली चैन में से जैसे हमने ड्रेस में बनाया था इसी तरह से निकाल लेंगे, दो निकाल दिए, कंप्लीट नहीं करेंगे अभी, दो बार यहाँ से निकालेंगे, एक बार और। फिर से धागा लिया और यहाँ से ऐसे निकाल लिया, दो स्टिच निकाल देंगे इस तरह से। अब देखिए इनको हम दो दो करके उतारेंगे, पहले दो निकाले, फिर से दो स्टिच निकाले, इस तरह से धागा लिया, फिर से दो स्टिच उतार देंगे। इस तरह से दो दो करते हुए हम उतारते जाएंगे इस तरह से। फिर से हम तीन चैन लेंगे, एक दो तीन, और नेक्स्ट जो हमारा ये चैन स्पेस है इसमें इसी तरह से वर्क करेंगे। देखिए धागे को लेंगे, दो स्टिच निकाल दिए, यहाँ से हम दो बार निकाल लेंगे जैसे हमने ड्रेस में बनाया था इसी तरह से सेम बनाना है। अब देखिए इससे नेक्स्ट हमारा ये है, इसमें हम अपना वर्क करेंगे इस तरह से, दो बार धागा लिया, कंप्लीट नहीं करना, इस तरह से दो धागे उतार देने हैं। अब देखिए पफ स्टिच के नीचे हमें इसी तरह से वर्क करना है, दो स्टिच उतार दिए। फिर से देखिए लूप लेंगे और जो पफ स्टिच के नीचे यहाँ से हम ऐसे निकाल लेंगे, अब देखिए इनको हम दो दो करके उतारते हुए जाएंगे, दो निकाल दे, फिर से दो स्टिच उतारे,
इस तरह से देखिए, ये हमारा वर्क इस तरह से बनता चला जाएगा। और इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और चारों तरफ हमने इस तरह से ये बना लिया है। अब देखिए, यहाँ पर भी हमने बनाया हुआ है और यहाँ पर हमने बना लिया है। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर थ्री चैन बनाई है वहाँ पर हम इसको जॉइंट करेंगे और यहाँ से हम दूसरे धागे को पिक करेंगे, वाइट कलर के धागे को इस तरह से निकाल लेंगे, इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। और देखिए, जो हमारा ये पीच कलर का धागा है, इसका वर्क हमारा ये ख़त्म हो गया है, तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। एक, दो, तीन, तीन चैन लेने के बाद हम यहीं पर डबल क्रोसिया बनाएंगे। दो डबल क्रोसिया हो गए, फिर से बनाया तीन डबल क्रोसिया, फिर से बनाया चार डबल क्रोसिया, पांच डबल क्रोसिया, छह डबल क्रोसिया, सात डबल क्रोसिया, एक बार और बनाएंगे आठ डबल क्रोसिया। इस तरह से यहाँ पर हमने आठ बार डबल क्रोसिया बना लिया है। और जो हमारा ये धागा है, इसको हम साथ में लेकर चलेंगे, ये अंदर की तरफ ही हमारा हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ये चैन स्पेस है, इसमें जाकर हम सिंगल क्रोसिया बना देंगे इस तरह से। उससे नेक्स्ट में जाएंगे, फिर से हम आठ बार डबल क्रोसिया बनाएंगे। एक बार बनाया, दो बार बनाया, तीन डबल क्रोसिया, चार डबल क्रोसिया, पांच डबल क्रोसिया, छह डबल क्रोसिया, सात डबल क्रोसिया, एक बार और बनाया आठ डबल क्रोसिया। इस तरह से बना लिया। फिर नेक्स्ट में गए, इसको हमने सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर लिया। देखिए, इस तरह से बनाते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए हमारे पास दो बचे हैं ये, तो हम देखिए यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे बीच में। अब देखिए, जो हमने यहाँ पर थर्ड चैन बनाई है, थर्ड चैन के अंदर जाएंगे और इसको स्लिप नोट कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए, इस तरह से बनने के बाद ड्रेस का ये कैप का लुक आया है। देखिए, ये हमने इस ड्रेस से मैचिंग कैप बनाई है और ये जो धागा है, इसको क्रोशिया की हेल्प से हम अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। देखिए, इस तरह से कान्हा जी को आप पहना सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।